हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। किसानों का आंदोलन 122 दिनों से लगातार जारी है। किसानों के आंदोलन के मद्देनजर कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं किसान। अब 28 मार्च को कानूनों की प्रतियां, होलिका दहन के बीच किसान जलाएंगे। लगातार अलग अलग तरीकों से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं किसान। एमएसपी पर कानूनी गारंटी की भी मांग कर रहे हैं। 122 दिनों से आंदोलन किसानों का लगातार जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। 28 मार्च को कानूनों की प्रतियां किसान जलाएंगे। एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग भी किसान कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। वहीं महा पंचायतों के जरिए भी किसान लगातार लोगों से संपर्क साध रहे हैं। और इस समय कानून, कृषि कानून की वापसी के दौरान जो आंदोलन चल रहा है उसमें मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे राकेश टिकैत और हरियाणा में गुरनाम सिंह चिरूनी। लगातार आंदोलन जारी है पिछले 4 महीनों से। कल भारत बंद का आह्वान किया गया था और हरियाणा में भारत बंद का खासा असर देखने को मिला था। सड़कें जाम कर दी गई थी और कई ट्रैक्स पर ट्रेन को रोक दिया गया था, जिससे ट्रेन के यात्री परेशान हो गए। सड़कों पर भी ट्रैफिक जाम की स्थिति रही। कल सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक भारत बंद रखा गया था। कई एसोसिएशंस, कई संगठन ने किसानों का समर्थन भी किया तो कई जगह भारत बंद का असर नजर नहीं आया। कल जो भारत बंद रहा उसमें कई राजनीतिक संगठनों का भी समर्थन मिला किसानों को। कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी किसानों का समर्थन किया ट्वीट के जरिए। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, लगातार आंदोलन जारी है, अलग अलग तरीकों से किसान जो है अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन यह सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। एक बार मुझे कल के भारत बंद को लेकर बताएं, क्या असर वहां देखने को मिला हिसार में, और इसके अलावा आगे किसानों की क्या रणनीति नजर आती है? नंदनी जी, अगर कल भारत बंद की बात करें तो हिसार में इसका पूरा असर देखने को मिला। किसानों ने पहले क्या होता था कि सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करते थे, उनको जाम करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने गांव की सड़कों से लेकर देहात की सड़कें, शहरों की छोटी सड़कें, हर जगह अलग अलग उन्होंने अपना टारगेट बना के वहां पर उनको जाम किया और चारों तरफ से पूरे भारत को बंद करने का काम किया, जिसका असर हिसार में पूरी तरह से दिखाई दिया। सिर्फ किसान ही नहीं, इसके साथ साथ हमने देखा कि व्यापारी उनके साथ थे तो बाजार भी बंद रहे, आढ़तियों की दुकानें बंद रही, मजदूरों ने यहां तक कि अपनी रेहड़ियां भी नहीं लगाई। जो छोटे मजदूर हैं, जो दिन भर रेहड़ी से अपना जीवन यापन करते हैं, उन्होंने भी किसानों का समर्थन किया और दिन भर अपनी रेहड़ियां तक नहीं लगाई। इस तरह का नजारा पहले नहीं देखा गया, लेकिन इस बार के भारत बंद में हमने जरूर ये नोटिस किया कि किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सभी इनके साथ एकजुट होकर के भारत बंद में अपना समर्थन कर रहे थे। जी नंदनी जी, बिल्कुल अनूप। और अब आगे आगे किसानों की क्या रणनीति नजर आती है, अब आगे क्या किया जाएगा आंदोलन के लिए? देखिए नंदनी जी, जिस प्रकार से 5 दिवसीय कार्यक्रम पहले भेजा गया था, 17, 19, 23 तारीख का जो शहीदी दिवस से लेकर अब 26 मार्च को भारत बंद, और अब अगला कदम जो है वो 28 तारीख को होलिका दहन के दिन जो कृषि कानून है उनकी प्रतियां जलाई जाएगी और किसान इस बात को लेकर के रोष व्यक्त करेंगे। और जिस प्रकार से होलिका के अंदर ये बताया गया है कि होलिका को मतलब बुराई का प्रतीक माना गया है, उन्होंने भगत प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठाया गया था और उनको जला दिया गया था, और भगत प्रहलाद जो जिंदा बच गए थे, तो इसी प्रकार किसान कह रहे हैं कि होलिका के रूप में जो 3 कृषि कानून है उनकी प्रतियां जला करके दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से एक जो 3
कृषि कानून लाए जा रहे हैं, किसानों के विरोध में है, तो इस प्रकार से 28 तारीख का ये कार्यक्रम रहने वाला है। जी जी बिल्कुल, ओवरऑल आंदोलन को देखें, कल का जो दिन रहा इसे कितना महत्वपूर्ण माना जाए इस आंदोलन के बीच, क्योंकि लगातार अभी बातचीत सरकार और किसानों के बीच में बिल्कुल नहीं हो रही है, और ऐसे में कल का दिन जो है नजर आता है महत्वपूर्ण भूमिका वाला रहा, अपनी मौजूदगी किसानों ने जिस तरीके से दर्ज कराई। हाँ बिल्कुल नंदनी जी, किसानों और सरकार के बीच जो वार्ता का एक दौर चल रहा था वो कहीं न कहीं अब कुछ समय के लिए रुका हुआ नजर आ रहा है। और कल की अगर हम बात करें तो हमने किसानों के सामने बार बार ये प्रश्न उठाया था कि भारत बंद तो कर रहे हैं, इससे पहले बहुत सारे आंदोलन आप लोगों ने किए हैं, चाहे वो टोल प्लाजा फ्री करने की बात हो, चाहे रेलवे ट्रैक जाम करने की बात हो, इसके अलावा बहुत सारे आंदोलन हमने इस चार महीने के दौरान देखे हैं। तो किसानों का यही कहना था कि वो इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहां से हम किसान संयुक्त मोर्चा को अपने सुझाव भेज रहे हैं कि जिसको लेकर के ऐसा किया जाए, जिसमें उन्होंने मुख्यतः ये बातें बताई कि हम आगे आने वाले समय में बिजली के बिल नहीं भरेंगे, अगर सरकारी बसों में हम यात्रा करेंगे तो किराया नहीं देंगे। तो इस प्रकार के लड़ाई लड़ने के मूड में भी किसान नजर आने लगे हैं। तो हो सकता है कि भारत बंद के बाद कहीं कहीं वार्ता का कोई दौर शुरू हो, और हो सकता है कि सरकार भी किसानों से बात करके इस चीज का हल निकालने की कोशिश करे। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति जुड़े हैं कालावली से, सीधा उनका रुख करेंगे। जगदीश, अगर बात करें सिरसा की, कल कितना असर भारत बंद का सिरसा में नजर आया? मोर्चा के आह्वान पर कल सिरसा बंद था, सिरसा कर कालावली की बात करें, कालावली भी पूरे बंद था, सिरसा भी पूरे बंद था, क्योंकि सिरसा जो है, सिरसा जिला है वह पूरा किसानी पर आधारित है। यहाँ पर अगर बात की जाए किसानों के संगठन के साथ साथ व्यापारी मजदूर एवं अन्य वर्ग जो जहां तक चाय की ठेलियां भी नहीं लगी और सब्जी की ठेलियां लगाने वाले लोगों ने भी अपनी दुकानें नहीं खोली, कहीं ना कहीं भारत पूर्णतः बंद का पूरा असर कल सिरसा जिला में दिखाई दिया। जी नंदनी जी, अब आगे किसान होलिका दहन को लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं? जी नंदनी बिल्कुल, किसानों का 28 मार्च को होली का दहन है, उसके बाद किसानों की ओर से रणनीति बनाई जा रही है कि उनकी फसल कटाई का समय बिल्कुल है, लेकिन वह बॉर्डर पर जो है इसी तरह से टिके रहेंगे। आने वाले दिनों में संख्या है जो बॉर्डर पर बढ़ाने के लिए प्रचार किया जा रहा है, गांव गांव जाकर किसान नेता किसानों को जागरूक कर रहे हैं। अगर दूसरी बार नंदनी बात की जाए, किसान पूरा जो अगर लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं, किसानों का कहना है कि फसल की कटाई व बुझाई का समय थोड़ा व्यस्त जरूर है, लेकिन यह निकलने के बाद वह सरकार से लड़ने के लिए पूर्णतः दोबारा के लिए तैयार होंगे, क्योंकि किसानों का कहना है कि जो तीन कृषि कानून है वह उनके वह व्यापारी व मजदूर अन्य वर्गों के विरोधी है, कहीं ना कहीं सरकार को इस वापस लेना होगा। इसके लिए वह दबाव बनाने के लिए सरकार पर पूर्णतः बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है। जी नंदनी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश आपका भी जानकारी के लिए। तो अब किसान आगे कानूनों की प्रतियां जलाएंगे होलिका दहन के दिन, त्योहार तो जहां धरने पर बैठे हैं वहीं मनाएंगे, घर नहीं जाएंगे, लेकिन त्योहार के दिन भी अपने आंदोलन के मद्देनजर यहां पर कानून की प्रतियां जलाते हुए किसान नजर आएंगे जब होलिका दहन होगा। तो कल भारत बंद का आह्वान किया था, 28 तारीख को होलिका दहन के दिन भी किसान विरोध करेंगे सरकार के सामने। लगातार किसान इन आंदोलन में हो रहे प्रदर्शनों के जरिए अपनी आवाज उठा रहे हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि इन तीन कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। पिछले चार महीने से आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन सरकार ने अभी तक तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर कोई सिग्नल नहीं दिया। इनफैक्ट कई दौर की बातचीतें भी हुई किसानों और सरकार के बीच और वो बातचीतें भी विफल रहीं। उसके बाद अब सरकार और किसानों के बीच बातचीत तक नहीं हो रही है। लगातार महापंचायतों के जरिए भी किसान लोगों से संपर्क साध रहे हैं और इस खबर पर हमारे सहयोगी अमित तिवाड़ी जुड़ चुके हैं सिरसा से। अमित, कितना असर सिरसा की गलियों में, सिरसा से जुड़े हाईवेज पर, सड़कों पर नजर आया कल क्या भारत बंद का? जी नंदनी, अगर बात करें तो भारत बंद यहां पर व्यापक असर उसका दिखाई दे रहा था सिरसा में, और पूरे बाजार बंद रहे, अलग अलग टोलियों में किसान बाजारों में घूम रहे थे, उन्हें देखकर लोग
जो है वो पहले से ही दुकानें कम खुली थी, और जो कुछ अगर अगर बात करें बाहरी इलाकों में कहीं अगर एक दुकानें खुलती भी थी तो वो उनको देख कर बंद कर दिया जाता था। तो इस तरह का एक पूरा जो जो एक मैनेज सिस्टम से किसानों ने बाजारों में लोगों से अपील की, और उसका अपील का असर भी ये देखने को मिला कि भारत बंद का जो आह्वान था वो बड़ा कामयाब रहा। साथ साथ कर्मचारी संगठन और दूसरे जो संगठन थे वे भी उसमें शामिल रहे, और इसके अलावा जो रेल रोकने का जो काम किया गया वो भी सफल रहा। तो ऐसे में तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं सरकार पर दबाव डालने के लिए किसानों की ओर से। तो यह कल का भारत बंद था जो सिरसा में पूरा कामयाब यहाँ दिखाई दिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए अमित। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का, कोरोना को लेकर आपको अपडेट बता दें। बीते 24 घंटे में लगातार कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ पड़े हैं। 1322 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 269 और करनाल में 204 नए केसेस सामने आए। पंचकुला में 131 और पानीपत में 119 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अंबाला में 105 और यमुनानगर में 88 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना से 8 लोगों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 3125 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। वहीं हरियाणा में कुल 284,944 केसेस हैं। एक दिन में 748 मरीजों ने कोरोना को मात दी और अब तक 2,74,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ही अंदर। 8 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार एक बार फिर से कोरोना का स्ट्रेन वापस लौटता हुआ। हमारे सहयोगी अजय मेहता जुड़े हैं फतेहाबाद से। अजय, फतेहाबाद में बीते 24 घंटों की क्या स्थिति? ये जो कोरोना है लगातार फतेहाबाद में अपना पैर पसारता जा रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर 50 केस जो है नए आए हैं। इसमें अब अगर एक्टिव केस की बात की जाए तो फतेहाबाद के अंदर इस वक्त जो है लगभग 240 के आसपास जो है एक्टिव केस यहाँ पड़े हुए हैं। लगातार जो है ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। खास बात ये है कि अब ये बड़े पैमाने पर जो है स्कूल्स के अंदर अटैक कर रहा है। पूरे जिले के अंदर अब आधा दर्जन से अधिक जो स्कूल जो है चपेट में आ गया है। मुख्य तौर पर फतेहाबाद का जो इलाका है बट्टू क्षेत्र है, बट्टू क्षेत्र के अंदर गांव रामसरा है, टोहाना के 2-3 स्कूल्स हैं और जाखल एरिया के स्कूल्स हैं। तो ये बड़े पैमाने पर जो है स्कूल्स के अंदर बच्चों को और बच्चों स्कूल के स्टाफ को जो अपनी चपेट में ले रहा है। जी जी बिल्कुल। अब अजय, लगातार स्कूल्स में बच्चे जा रहे हैं, अब एग्जाम टाइम भी है, और ऐसे में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के लिए भी चिंता का विषय है और उन पेरेंट्स के लिए भी चिंता की बात है कि बच्चों की पढ़ाई पर फोकस करें या कोरोना के डर से उनको घर से बाहर ना निकलने दें। ये एक बड़े असमंजस की स्थिति है क्योंकि बच्चे एक साल से ना खुलकर खेल पाए हैं ना पढ़ पाए हैं, कहीं ना कहीं जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल नंदी, देखिए जिस प्रकार से पिछला एक साल निकला है उस एक साल के दौरान जो है जहाँ पढ़ाई प्रभावित हुई है वहाँ बच्चों की जो है दिनचर्या भी बड़ी बुरी तरह से प्रभावित रही है। हालांकि स्कूल खुले हैं, स्कूल खुलने के बाद बच्चों के अंदर इस स्कूलों का चार्म भी था जाने का, लेकिन अब जिस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं वहीं जहाँ उससे उसको लेकर के जो पेरेंट्स तो चिंतित है ही है, स्कूल प्रशासन भी चिंतित है और पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बारे में लेकर चिंतित हुआ हुआ है और बड़े पैमाने पर जो है टेस्टिंग भी चल रही है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि अगर इस तरह से अगर स्कूल्स के अंदर जो है केस बढ़ते रहे तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से हो सकता है कि जो सरकार एक बड़ा फैसला ले और जो है बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए स्कूल्स को लेकर के कोई फैसला ले। हालांकि इस तरह से जो है एजुकेशन मिनिस्टर भी एक जो है संकेत दे चुके हैं कि अगर कोरोना केसेस बढ़ते हैं तो एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन अभी जो स्थिति है फतेहाबाद की अगर बात करते हैं फतेहाबाद संदर्भ में तो ये केस लगातार बढ़ रहे हैं और वाकई में ही ये चिंता का विषय बने हुए हैं। जी जी शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फतेहाबाद में भी लगातार मामले बढ़ते हुए और पूरे हरियाणा में इस वक्त देखा जा सकता है कि बीते 5 महीनों में कोरोना के मामले घटे थे लेकिन अब एक बार फिर से मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जो कि चिंता का विषय है। पूरे उत्तर भारत में इसका असर है। सबसे ज्यादा मामले देश भर में महाराष्ट्र में दिनों सामने आ रहे हैं जिसका सीधा असर दिल्ली NCR समेत हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है और अब एक बार फिर से हरियाणा में मामले कोरोना के लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
तो एक दिन में कोरोना से 8 लोगों की जान भी चली गई है। प्रदेश में अब तक 3,125 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,84,944 केसेस कोरोना के अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें से एक दिन में 748 मरीजों ने कोरोना को मात दी और ठीक हुए। तो अब तक 2,74,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। लेकिन इस खबर पर हमारे सहयोगी गगन जुड़ चुके हैं पेहोवा से। गगन, क्या स्थिति पेहोवा में बीते 24 घंटों में कोरोना की? देखिए, जिस हिसाब से लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, आज पूरे प्रदेश के अंदर 1,322 नए मामले आए हैं। और आज बात की जाए पेहोवा के अंदर, तो पेहोवा के जो SDM में गए हैं तो वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देखा जाए तो प्रशासन के द्वारा भी लापरवाही बरती जा रही है, ना तो मास्क का प्रयोग किया जा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जी बिल्कुल गगन, अगर बात करें लगातार बढ़ते मामलों की, तो चिंता का विषय प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी, क्या किसी तरह की सख्ती बरती जा रही है शहर भर में? मास्क जो लोग नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इस समय लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही साथ यहां प्रशासनिक स्तर पर भी अब लोगों पर सख्ती बरतने की जरूरत है, जैसे पहले हुआ करती थी। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब जो पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम है, तो वो अब मार्केट में जाकर जो लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं तो उनका चालान कर रहे हैं, तो उन पर फाइन लगा रहे हैं। और सेंटर जो स्टडी सेंटर होते हैं वहां पर भी जाकर देखे जा रहे हैं कि जो लोग बिना मास्क के हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके चालान काटे जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन अगर लोगों के अंदर कोरोना को लेकर डर की बात की जाए गगन, तो क्या पहले जैसी स्थिति अब बन रही है? क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो लोग भी थोड़ा सावधान नजर आ रहे हैं। पेहोवा में किस तरह की तस्वीर नजर आती है? जी पेहोवा में कुछ लोग ऐसे हैं जो जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई उसका पालन कर रहे हैं, और कई लोगों को इसका भय ही नहीं है, क्योंकि उनका सिर्फ साफ तौर पर कहना है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जिन लोगों के साथ कोरोना हो चुका है तो उनको ही पता है कि किस तरह का भय है। जी शुक्रिया आपका गगन तमाम जानकारी के लिए। तो इस समय प्रदेश भर में हालात गंभीर होते जा रहे हैं, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 1,322 नए मामलों की पुष्टि हुई है बीते 24 घंटों में, जो कि चिंता का विषय। और इस खबर पर अब हमारे साथ हमारे सहयोगी कमरजीत जुड़ चुके हैं करनाल से। कमरजीत, बीते 24 घंटे में करनाल में क्या स्थिति, क्योंकि इस दूसरे स्ट्रेन में करनाल में जो है बेहद गंभीर स्थिति कोरोना की देखी गई है इन दिनों? देखिए, अगर बात करें तो लगातार करनाल में मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के जो दूसरे स्ट्रेन शुरू हुए, तो इसी के साथ अगर बात करें तो कल 204 मामले सामने हैं, उसमें लगातार अगर बात की तो स्कूली छात्र भी सामने आ रहे हैं। इसी के साथ अगर बात करें तो 94 लोग जो ठीक होकर अपने घरों को भी वापस गए। और इसी के साथ अगर बात करें, पूरे उद्योग मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव थे, वो भी कल अपने घर गए। और इसी के साथ अगर बात की जाए, करनाल प्रशासन ने एक स्कूल पर बेजरूर रावर गांव में कार्रवाई की है, जो कोविड के नियमों को पालन नहीं करता था उसके खिलाफ कार्रवाई की। और लगातार अगर बात की जाए तो जो कोविड के मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं, उसमें स्कूली छात्र भी शामिल होते जा रहे हैं। और पहले दिन से अगर बात की जाए तो 15 मार्च के बाद से लगातार जो स्कूलों के भी मामले सामने रहे, आम लोग भी आ रहे हैं, हर उम्र के लोग इसमें शामिल है और लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। और इसको लेकर अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं हम खुद इसके लिए जिम्मेदार है, प्रशासन के द्वारा चलानिंग जरूर की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी भी सोशल डिस्टेंस की बात तो दूर की बात है, कि मास्क भी कई ऑफिसों में नहीं लगाते। यही सबसे बड़ा कारण है कि लगातार दूसरे स्ट्रेन के दौरान मामले करनाल में बढ़ते जा रहे, प्रदेश भर में मामले बढ़ते रहे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो स्कूली छात्रों की बात करें, कुरुक्षेत्र और करनाल में मिल रही है। बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर कही कमरजीत, कि जो मामले बढ़े हैं उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही एक बड़ा कारण निकलकर सामने आया है, कि अब लोगों में डर नहीं रहा कोरोना को लेकर। कई लोग कोरोना को कुछ समझ नहीं रहे हैं, लेकिन ये जो एक विचारधारा है कोरोना को लेकर, ये बेहद डरावनी है, क्योंकि अब मामले बढ़ रहे हैं और अभी भी लोग अगर बेफिक्र रहे, अभी भी अगर सावधान नहीं हुए, तो स्थिति और ज्यादा भयंकर हो सकती है। इनफैक्ट हेल्थ एक्सपर्ट्स का कह रहे हैं कि इस साल स्थिति 2020 से भी ज्यादा खतरनाक बन सकती है, अगर लोग अभी वक्त रहते नहीं संभले तो।
बिल्कुल देखने वाली बात क्या सामने आ रही है, सब लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल 2020 में जो कोरोना के मामले आए थे धीरे धीरे मामले आए थे, इतने मामले तो सामने आए नहीं थे, 100 से ऊपर कोई आंकड़ा किसी दिन भी नहीं गया था, 50 के बीच तक मामले रहे थे। और ये लगातार बात की थी तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो डर था वो डर बिल्कुल निकल चुका है और वो लोग अपने घरों से निकल रहे, अपने गंतव्य को निकल रहे हैं। और इसी के साथ अगर बात करें तो सबसे बड़ा कारण भी यही सामने आ रहा है, लोग समझने को तैयार नहीं, लोग अपनी जो जिम्मेवारी है उसको समझ नहीं रहे। और जो लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं कई देशों में, तो इसको लेकर कोविड को लेकर यूरोप में पिछले कई दिनों से लॉकडाउन है, महाराष्ट्र ने इसकी पहल जरूर की है रात का कर्फ्यू लगाने की, 28 मार्च से बात की है, लेकिन एक तरफ तो सरकार ने जो होली समारोह थे उनको पूरी तरह से बंद कर दिया, वह कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग खुद मानने को तैयार है, लोगों के मन में कहीं ये पूरा का पूरा जो भय था पिछले 2020 में पहले दिनों में वो कहीं खत्म होता नजर आ रहा है, और यही कारण है कि लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कमरजीत तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लगातार करनाल में भी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है, 204 नए केसेस बीते 24 घंटे में करनाल में सामने आए हैं, वहीं गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 269 नए मामलों की पुष्टि हुई है। और इस खबर के साथ ही हल्का हलचल में इतना ही।